व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवा। आज की पिक्चर है कितनी शानदार, आप लोगों के सामने यहाँ पे आज ही के द हिंदू के एडिशन से उठाई है मैंने ये, आज के कार्टून सेक्शन से। तो यहाँ पर ये है कार्टून सेक्शन, आप लोग इस पिक्चर को शांति से और बिल्कुल दिमाग लगा के अच्छे से देख के इसको निहारना है और उसके बाद में इसके ऊपर आप लोगों को 50 से 100 शब्द लिखने की कोशिश करनी है। ये इससे पता चलेगा कि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, आप लोग चीजों को देखकर किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप लोग जो आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस होती है, या फिर अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं या फिर रिपोर्ट राइटिंग आप लोग लिखते हैं, इस तरीके से अगर आप लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि आप लोग जाते हैं एसएसबी में तो वहां पे भी आप लोगों को पिक्चर दिखाई जाती है, उसके ऊपर वर्ड लिखने के लिए बोला जाता है, तो ये सब आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है हर एक लेवल पर। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करेगी। तो यहां पर ऊपर देख सकते हैं मोर दिखा रखा है, यहां पर पिक्चर किन की है और यहां पर लिखा है 2019। तो पूरा आप लोगों को बताना है कि आप लोग क्या समझ पा रहे हैं इस पिक्चर को देखकर। ये एक एक्सरसाइज के तरीके से आप लोगों को लेना है, कोशिश करनी है कि लिखने की जितना आप लोग लिख सकें, और ये कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई और लिख रहा है तो उसका देखिएगा मत। नॉर्मली मैं आप लोगों को बोलता हूं कि किसी दूसरे का आंसर देख लीजिए, नहीं यहां पर वो नहीं करना आप लोगों को। यहां पर अपने आप से जो भी आप लोगों के माइंड में आ रहा है, देखिए यहां पर कोई ऐसा तो नहीं आप लोगों का कंपटीशन है, पर जो भी आप लोगों के माइंड में आए आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। 10, 50, 100 जितने भी शब्द आप लोग लिख सकते हैं, ये आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग बताएगा कि आप लोग किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। और उसके बाद में फिर जब लोगों ने लिख लिया होगा, उसके बाद में आप लोग उसके साथ में अपना मैच कर सकते हैं कि हाँ आप लोगों ने क्या सही लिखा है या गलत लिखा है। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, देखता हूं आप लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। सारे आंसर देखूंगा मैं किस तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है इस पर्टिकुलर इमेज का। आज है 16 अगस्त, आज आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है अंकारा, जाकर मैप में निहारेगा, काफी न्यूज में है ये कंट्री जिसकी कैपिटल है, इसके बारे में फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं द हिंदू के आर्टिकल के तहत हम लोगों को क्या क्या आज डिस्कस करना है, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसके अलावा फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे यहाँ पर वीर तालियान के नाम से, फेसबुक पर मेरी प्रोफाइल है, आप लोग यहाँ पर इस लेक्चर की पीडीएफ और भी कई सारी चीज शेयर की जाती है, इंजॉय कीजिए, चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए। फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है यहाँ पर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में, डिटेल में डिस्कस करूंगा अच्छे से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। नीचे वाला आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है सेबी की पावर के बारे में, तो सेबी को क्या पावर देनी चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को क्या पावर ज्यादा देनी चाहिए, क्या ये सही रहेगा, तो डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। फिर से आया ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो डिटेल में आर्टिकल को देखेंगे क्या ये सही है, इसको बैन कर दिया गया आज की डेट में, हम लोग पहले भी आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि आज की डेट में जो डेयरी प्रोडक्ट है वहां पर इनको यूज किया जा रहा है दूध ज्यादा निकालने के लिए, और कहां पर इनका अच्छे से यूज होता है, वो सारी बातें हम लोग कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से आप लोग एक ओवरव्यू दूंगा अब इसके बारे में आगे क्या क्या बातें बोली जा रही है। नेक्स्ट जो ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर मिलिट्री में रिफॉर्म करने के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल फिर से करप्शन केसेस के बारे में, जो अभी पार्लियामेंट में पास किया गया था अमेंडमेंट बिल, तो उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, अच्छे से नजर डालेंगे इस आर्टिकल के ऊपर भी। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, मिल्खा सिंह मूवी बनी, मैरी कॉम बनी और अभी संजू निकल कर आई, तो जो बायोपिक वगैरह बनाई जा रही है तो राइटर जो है उसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो अपना खुद का पर्सनल व्यू दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। फिर से आर्टिकल है यहाँ पे तुर्की की जो करेंसी है वो काफी आप लोग देखते हैं काफी हद तक मतलब नीचे जाती जा रही है, और उसकी वजह से हमारी करेंसी पर भी काफी इंपैक्ट पड़ा था, तो उसी को फिर से एनालिसिस किया है। दोनों के बीच में जो वार चल रही है यूएसए के और तुर्की के, वो भाई अभी रुकने वाली नहीं है और आगे भी और ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली है, तो देखने को ये मिलेगा कि कहां पर सिचुएशन लुकती है, क्योंकि एक साइड में आप लोग देखते हैं कि दोनों ये कंट्री तुर्की और यूएसए तो आपस में वार में ही है, हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कनाडा और सऊदी अरेबिया के बारे में। इसके अलावा ट्रेड वार चल रही है अलग अलग कंट्री के बीच में, जैसे कि आप लोग यूएसए का चाइना के साथ में देख सकते हैं, रशिया के साथ में देख सकते हैं, इसके साथ में ईरान के साथ में देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाने की बात फिर से आ रही है निकलने लगकर, तो बहुत सारा तमाम ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो किस तरीके से ये इंपैक्ट डाल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड पे, तो वो चीजें आप लोगों को आगे और भी अच्छे से देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करते स्टार्ट, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में पता नहीं रहता है कहां से पढ़ें, कौन सी किताब उठाएं, क्या सिलेबस है, कुछ पता नहीं रहता है, पर लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है वहां पर, आप लोगों को बस क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, सबसे पहले सिलेबस उठाइए, उसके बाद में पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि क्वेश्चन देखिए कौन से आ रहे हैं, कौन से सिलेबस के पार्ट से आ रहे हैं, तो इस तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर आप लोगों की सबसे शानदार तरीका है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का किसी भी एग्जाम के बारे में। किसी भी एग्जाम को तैयारी करना चाहते हैं तो बस दो चीजें सबसे पहले आप लोगों के हाथ में होना चाहिए, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पुराने, इसके बाद में आप लोगों को बुक्स खरीदनी है, इसके बाद में सारा काम आप लोग करना है, पर पहले स्टार्ट करना है समझने का कि पैटर्न क्या है एग्जाम का और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है आप लोगों के हिसाब से। तो आर्टिकल फर्स्ट देखते हैं, बात की जा रही है सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है सेबी, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो ये इसका नाम हिंदी में भी आप लोग याद रखते हैं,
तो यहां पर काम क्या करती है, तो आप लोग देखते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इसको बोला जा रहा है। तो हमारी कंट्री में जो भी यहां पर रेगुलेटरी का काम करती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड या एक्सचेंज बोर्ड, जो भी स्टॉक मार्केट होती है उसको कंट्रोल करने का काम आप लोग बोल सकते हैं, या फिर रेगुलेट, कंट्रोल करना वर्ड सही नहीं होगा, रेगुलेट करने का काम किया जाता है। 1992 में इसका गठन किया गया था और ये आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चेयरमैन कौन है यहाँ पर, ये अजय त्यागी जी। तो इसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, इसकी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में आर्टिकल जो है उसको एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या और ज्यादा पावर आप लोगों को बढ़ानी चाहिए। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि देखिए आप लोगों को जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी पावर बढ़ाने से पहले थोड़ा आप लोगों को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या ये सही है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए किसी इस तरीके की बॉडी रेगुलेटरी की पावर अगर बढ़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनके माइंड में फियर हो जाएगा और भी ज्यादा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऑलरेडी आप लोगों ने उनको काफी पावर दे रखी है, अगर और ज्यादा पावर आप लोग बढ़ाते हैं और उस पावर का नेगेटिवली यूटिलाइज किया जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ में, तो आने वाले टाइम में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हमारी कंट्री में। तो जब से इसका गठन किया गया 1992 से, तब से लेके इसको काफी अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है और काफी पावर इसको दी जा चुकी है और अब भी जो कार्य प्रोग्रेस में, यानी कि और ज्यादा इवोल्व होती हुई जा रही है ये एजेंसी। इसकी जो पैनल जो यहाँ पर भी जो अभी पैनल की बात की जा रही है, इसका भी नाम आप लोग याद रखते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अपने आप ही यहाँ से आगे की पावर बढ़ानी है, एक पैनल का गठन किया गया था उसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई, पैनल का नाम आप लोग याद रखते हैं, पूछा जा सकता है किससे लीड है, तो यहाँ पर है टी के विश्वनाथन, तो फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी है ये। तो इनका पैनल गठन किया गया और बोला गया कि जो इलीगल प्रैक्टिस है आज के डेट में मार्केट में और एक फेयर यहाँ पर इन्वेस्टर जो यहाँ पर जो फेयर प्रैक्टिस कर रहा है किस तरीके से उनको सपोर्ट किया जा सकता है और जो इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है किस तरीके से उसको कर्व किया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है, इस पर फोकस देने की बात यहाँ पर की गई। कहने का मतलब यह है कि जो रिकमेंडेशन ये दी गई कि यहाँ पर जो आज के डेट में सेबी है इसको आप लोग इस तरीके से बनाइए ताकि जो मार्केट में अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उनको रोका जा सके, ये है पूरा फोकस, यानी कि और ज्यादा पावर इसको देने की कोशिश की जा रही है सेबी को, ये बोला गया जो यहाँ पर कमेटी है उसकी में। और जो ये रिकमेंडेशन यहाँ पर देने की बात की जा रही है तो ये ऐसा नहीं है कि जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उसमें ही ये काम करेगा, अब ये यहाँ पर आगे भी इसको बढ़ सकता है, यानी कि जो भी उससे लीड रहे हैं यहाँ तक कि अकाउंटेंट्स और जो ऑडिटर्स होते हैं वहां तक भी अब इसके हाथ पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये सिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है पूरे उस पर जो भी यहाँ पर जो भी इसके अंदर में आएगा और यहाँ तक भी पावर दे दी जा रही है इसको इसके साथ में कि देखिए यहाँ पर पैनल ने जो बोला है रिकमेंडेशन दिए कि आप लोगों को इम्यूनिटी देनी पड़ेगी जो विसल ब्लोअर होता है, कौन होता है, मुखबिर, यानी कि वो पर्सन जो यहाँ पर बताता है कि कहाँ पर क्या गलत एक्टिविटी चल रही है उसको आप लोगों को सपोर्ट देनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जाकर वहां पर जो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी उसको बता देंगे, तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ड्यूटी बनती है कि वो आप लोगों को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सपोर्ट करता है कि इलीगल एक्टिविटी को रोका जाए तो उसको भी कवर करने की बात इसके अंदर की जा रही है, यहां तक भी पावर दी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो आप लोग किसी की फोन कॉल भी टैप कर सकते हैं कि वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, अगर आप लोगों को फोन कॉल टैप करके यहां पर केस को सोल्व करने में फायदा मिलता है तो आप लोग यहां तक भी जा सकते हैं। देखिए राइटर का भी जो कंसर्न है वो भी जायज है, राइटर ये बोल रहे हैं कि इतनी पावर आप लोग दे तो रहे हैं पर लेकिन आप लोग क्या इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उसे दूर रख रहे हैं, क्योंकि कल को किसी भी जो पावर है जो पॉलिटिक्स में जो आज की डेट में जो गवर्नमेंट पावर में है वो कल को इसको किसी के भी खिलाफ यूज करके, या फिर आप लोग वर्ड यूज कीजिए यहां पर मिसयूज किया जा सकता है इसका, ठीक है, तो यूज नहीं मिसयूज किया जा सकता है इसका, क्योंकि जो भी आज के डेट में आप लोग देखते हैं सीबीआई जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो जो दूसरी पार्टी के जो लोग होते हैं उन पर छापे मारना, उनको जेल में डालना, और ये हर एक गवर्नमेंट करती है, पहले कांग्रेस क्या करती थी अब यहां पर आकर बीजेपी कर रही है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई भी दूध का धोला नहीं है, आते ही दोनों इस तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑटोनॉमी नहीं देते हैं और पावर बढ़ाते रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर यहां पर इसकी पावर बढ़ा दी गई और ऑटोनॉमी नहीं दी तो कल को इसको भी गलत तरीके से यूज किया जाएगा, तो उसी के बारे में यहां पर बोला जा रहा है कि आप लोग पावर दीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से उसको हटा दीजिए ताकि उसका मिसयूज न हो फ्यूचर में। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात बोली जा रही है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सेबी के अंदर काफी आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी है वो मार्केट की, वो चीजें समझ पाते हैं, ठीक है, अगर फ्रॉड होता है तो उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर सेबी को ज्यादा पावर देती है तो ये डिटरेंस का काम करेगी, यानी कि डर बैठाने का काम करेगी जो भी उल्टी सीधी हरकतें करता है मार्केट में, बिल्कुल उसको ऐसे ही समझ सकते हैं आप लोग। नॉर्थ कोरिया और यूएसए का सबसे शानदार उदाहरण है आज के डेट में, अगर मैं डिटरेंस की बात करूं, आखिर आज की डेट में यूएसए नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ऐसा कोई स्टेप क्यों नहीं उठा पाया जैसा उसने लीबिया के खिलाफ उठाया था, इराक के खिलाफ उठाया था, वहां पर उसने इंटरनल जाकर वहां पर पूरा प्रॉपर वे में जो लीडर थे उनको हटाया वहां पर, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन डिटरेंस क्रिएट करते हैं, सामने वाली कंट्री ये सोचती है अगर तू कुछ हरकतें करेगा तो सामने वाला भी उसमें अपोजिट में आप लोगों को रिएक्शन देगा, तो उनको पता था कि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हाथ जो है वो पीछे खींचे रखे और कोशिश ये की कि नेगोशिएशन से काम किया जाए, पर लेकिन जो लीबिया और इराक में जो काम किया गया क्योंकि पता था न्यूक्लियर वेपन है नहीं और वो पावरफुल कंट्री है तो जाकर उनको धर दबोचा,
यही रीजन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं इंडिया को भी पता है पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान को पता है इंडिया के पास में, इसीलिए डिटरेंस क्रिएट किया जाता है आज की डेट में इन सब चीजों से। तो यही बात बोली जाती है कि देखिए बच्चों को बोला जाता है कि बच्चों को आप लोगों बस डरा के रखना है कि हाँ वो काम ठीक से करते रहे, कभी भी उनको पीटना नहीं है, क्योंकि पीट का जिस दिन आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया और उनके अंदर का डर खत्म हो गया, फिर वो अपनी मनमानी करेंगे, क्या बोलेंगे कि पीट लोगे ना, इससे ज्यादा और क्या कर लोगे। अगर जिस दिन ये रिएक्शन आगे निकल गए उस दिन समझ लीजिए बच्चा हाथ से निकल चुका है। तो कोशिश क्या करनी है, थोड़ा डराइए वो भी ज्यादा नहीं कि हाँ बच्चा काम ठीक से करता रहे, क्योंकि एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से यहां पर बात बोली जा रही है कि आप लोग डिटरेंस करने के लिए पावर उनके हाथ में दीजिए, पर लेकिन ये पावर भी आप लोगों को अपने पास ही रखनी है, ऐसा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको गलत तरीके से मिसयूज किया जाने लगे। और इससे डिटरेंस क्रिएट करने के साथ साथ में देखिए जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं उनका भी ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से इसका मिसयूज होने लगा कल को तो दूसरे जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं जो कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं उनको उनके माइंड में डर क्रिएट हो जाएगा, वो डरने लगेंगे कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं पैसा डूब जाएगा, किस तरीके से एक्टिविटी होगी, क्या क्या सिचुएशन बन जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे माइंड में बहुत सारे ऐसे रीजन आ जाते हैं, क्योंकि कहीं पर जाकर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो एक सिक्योरिटी चाहता है कि हां भैया सिक्योरिटी होनी चाहिए तभी जाकर पैसा, क्योंकि फ्री का पैसा तो होता नहीं है भैया, मेहनत की कमाई है, तो कहां पर लगाया जाए जहां पर सिक्योरिटी मिले। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक इफिशिएंट रेगुलेटर होना चाहिए जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। अगर फॉल्ट रहा, कमी रही, तो जेन्युइन इन्वेस्टर भी वहां पर आना पसंद नहीं करेंगे, और जो नॉर्मल है जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वही दिखेंगे। और इसका मतलब कहने का क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर काम किया जा रहा है, एक प्रॉपर जो इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है, एक अच्छा जो कंपटीशन है, वो सारा देखने को आप लोगों को नहीं मिलने वाला है अगर कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिली तो। आगे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, लास्ट ईयर अभी देखने को मिला यहाँ पर 331 कंपनी का जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई सेबी के द्वारा, उसमें क्या किया गया, इवन यहाँ तक गवर्नमेंट के प्रेशर के द्वारा ये काम किया गया सेबी के द्वारा, और यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई, जो एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है कि हाँ ये कंपनी सही काम कर रही है गलत काम कर रही है, बस गवर्नमेंट ने लिस्ट पकड़ा दी उठा के और आप लोगों ने जाके क्या किया, आप लोगों ने गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर दिया। बिल्कुल ऐसी है जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं 1975 से 77 तक प्रेसिडेंट से ढंग से पूछा भी नहीं गया और इमरजेंसी को लगा के रख दिया, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो पता होना चाहिए कि हाँ भैया क्या चीजें हो रही हैं। आप लोग जेन्युइन इन्वेस्टर को भी अगर हरास कर रहे हैं तो ये काफी खतरनाक पोजीशन हो सकती है। तो यही बोला जा रहा है, घुमा फिरा के देखिए आप लोग पावर दे सकते हैं जितना आप लोग देना चाहे, पर लेकिन वो पावर जो होना चाहिए वो जेन्युइन पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए, और जो यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है उसके माइंड में डिटरेंस क्रिएट करने का होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को बैलेंस बनाना है अगर आप लोग रियली चाहते हैं कि हाँ ढंग से इसका यूज करना है तो, ठीक है। तो अच्छी पावर है दीजिए, पर लेकिन वही कहते हैं ना कि आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा कि ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये डायलॉग यहाँ पर अच्छे से इंप्लीमेंट होता है कि इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दीजिए ताकि काम अच्छे से किया जा सके। और हाँ, ये वाला आर्टिकल बताना भूल गया मैं, अभी माइंड में आया, ये वाला आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये वाला। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल बात जो की जा रही है यहाँ पर, ये की जा रही है अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है एंटी करप्शन लॉ के बारे में। नॉर्मली क्या होता है, देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफिसर में कई तरीके करप्शन के लेवल देखने को मिलते हैं, तो ये होता है किस तरीके से करप्शन को डिक्रीज करना है, तो उसी के लिए लॉ बनाए जाते हैं। पर लेकिन यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जो यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है लॉ में, उसके लिए यहाँ पर जो राइटर हैं उनको वो चीजें पसंद नहीं आ रही है, उनको क्या आप लोग भी अभी देखेंगे तो आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगी। तो मानसून सेशन में पार्लियामेंट ने क्या किया, अभी अमेंडमेंट किया है एंटी करप्शन लॉ में, तो उसमें बात बोली जा रही है, दो चीजों पर फोकस दिया गया है। ये क्या क्या है, देखिए एक तो अगर मान लीजिए कोई ऑफिशियल है, यानी कि गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल है और वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर आरोप लगाने हैं तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन को भी इनिशिएट करने के लिए आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल के खिलाफ अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं किसी भी चीज का, तो आप लोगों को आरोप लगाने पर भी, इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है, आप लोगों मतलब आरोप लगाने पर भी आप लोगों को जो इनिशिएट करना है उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। और फिर अगर इसके ऊपर अभियोग चलाना है, प्रोसिक्यूट अगर उसको करना है, उसके लिए भी आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात की जा रही है इसमें नए वाले अमेंडमेंट में। देखिए होता क्या है, नॉर्मली पॉलिटिशियन में और आप लोगों को जो भी ब्यूरोक्रेट है उनमें एक संबंध देखने को मिलेगा, दोनों में कहीं ना कहीं एक साठगांठ रहती है, आप हमको सपोर्ट कीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको प्रोटेक्ट कीजिए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। कहने का मतलब यह कि इसी तरीके से एक तरीके से है कि तुम्हारा फायदा हमारा फायदा, तो अगर कहीं पे कोई करप्शन हो रहा है और हमारे ऊपर कोई चार्ज लगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, रास्ता हम बता देंगे कि आप लोगों को करप्शन कैसे करना है। नॉर्मली ये फंडा होता है, ठीक है, जो अब तक फॉलो किया जाता था। कोर्ट ने भी इसमें इंटरफेयर किया था, कोर्ट ने इन सब चीजों को साइड में रखा था, पर लेकिन गवर्नमेंट ने फिर से यहां पर कहीं ना कहीं जो कोर्ट का जो डिसीजन था उसको उल्टा कर दिया है। कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया था, उस टाइम पर केस आया था, तो यहां पर निकलकर बात ही की थी कि हाँ इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए, इसको साइड में कीजिए, पर लेकिन फिर से गवर्नमेंट क्या चाह रही है, प्रोटेक्ट किया जाए इनको। और यहां तो यहां देखिए रिटायरमेंट के बाद तक भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई पर्सन आज करप्शन करके चला गया है और वो रिटायर हो गया है, तो अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है उसके खिलाफ कोई चार्ज करना, तो रिटायरमेंट के बाद तक भी उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो समझ सकते हैं सीधे सीधे से क्या मतलब निकल के आएगा, किस कोई मंदबुद्धि इंसान भी समझ जाएगा कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप लोग चाह रहे हैं कि
गवर्नमेंट जो ऑफिसर है वो आप लोगों की हेल्प करे करप्शन करने में और कल को कोई उनके खिलाफ कोई किसी भी तरह की इंक्वायरी न हो सके, तो इसी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है यहाँ पर। तो देखिए ये गलत बात है अगर देखा जाए तो, पर लेकिन क्या कर सकते हैं, जो इस तरीके से चीजें निकल कर आती है कि यहां पर कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, कांग्रेस ने भी इस तरीके की हरकतें करती है, बीजेपी भी इस तरीके की हरकतें कर रही है, तो देखिए हमेशा ये चाहते हैं कि आसानी से काम चलता रहे। और यहां पर ओल्ड कैटेगरी के पहले जो बात हुआ करती थी ये सेक्रेटरी रैंक के, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के लिए हुआ करती थी, पर अब ओल्ड कैटेगरी के जो पब्लिक एम्प्लॉय है उनके लिए ये बोल दिया गया है। अब यहां पर जो कुछ एक्सेप्शन रखा गया वो ये रखा गया है, अगर कोई रंगे हाथों ही पकड़ा गया तो उसमें तो देखिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने ये कहा देखिए देखिए हम आपको तब तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब तक आप लोग रंगे हाथों ना पकड़े जाए। कहने का मतलब ये करप्शन कीजिए पर लेकिन ऐसे कीजिए कि आप लोग पकड़े ना जाए। अगर आप लोग रंगे हाथों पकड़ लिया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हाँ अगर रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर हम खड़े हुए हैं। तो ये यहां पे इस बिल में ये चीजें हैं जो आप लोगों को बताई मैंने। तो देखिए कैसी बात है, जो भी है आप लोगों के सामने है, अब आप लोग समझ जाइए क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि देखिए आज की डेट में जानवरों में से ज्यादा दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है और इसकी वजह से देखिए हालांकि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस क्या होता है जो बॉडी होती है वो इस तरीके से हैबिचुअल हो जाती है कि आगे आने वाले टाइम में फिर इसके बिना ये दवाई ये दूध वगैरह नहीं देते हैं। कई सारी रिसर्च इसके द्वारा की जा चुकी है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है जो बच्चे को जन्म देती है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये दवाई, वहां पर बोला जा रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको रेगुलेट करने की बात की है। बोला गया कि अभी इसको हमारी कंट्री में ओनली कर्नाटका की एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड KAPL इसको बनाने की बात की गई कि ये इसको मैन्युफैक्चर करेगी 1 सितंबर से, और जो प्राइवेट सेक्टर इसको मैन्युफैक्चर करता था उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए मना कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतने लार्ज स्केल पर जो भी सप्लाई की जाती थी वो अब तक प्राइवेट सेक्टर ही सप्लाई किया करता था, यहां पर गवर्नमेंट जो इसको सप्लाई कर रही है वो गवर्नमेंट का कोई ज्यादा इंटरफेयर इसमें नहीं हुआ करता था। तो डर क्या आने वाले टाइम में कि शॉर्टेज इसकी पड़ सकती है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, खासकर मेंटल हेल्थ के लिए बोला जा रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब वुमेन के लिए, या फिर आप लोग देखते हैं अलग अलग एरिया में जिसमें भी इसको यूज किया जा रहा है अगर कल को ये अवेलेबल नहीं हो पाती है तो ये काफी खतरनाक लेवल पर चीजें पहुंच सकती है, ये बात बोली जा रही है राइटर के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग मानते हैं कि हाँ मिसयूज किया जा रहा है, हाँ भैया मिसयूज किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो डेयरी फार्मर्स है उसको मिसयूज कर रहे हैं ज्यादा दूध निकालने के लिए, वो सही है, पर लेकिन क्या उसको बैन कर देना या फिर क्या उसको कम संख्या में मैन्युफैक्चर करना ये क्या सही स्टेप है? तो कहने का मतलब ये आप लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर लेकिन ये तो बताइए कि अगर कल को इसकी कमी हो गई जहां पर इसका फायदा हो रहा था वहां पर क्या होगा? आप लोग नुकसान को रोकने के लिए जिसको फायदा हो रहा है उसको भी बंद कर देंगे, तो ये सही बात नहीं है। आप लोग इसको रेगुलेट कीजिए, अच्छे से कंट्रोल कीजिए, चैनलाइज कीजिए, मिसयूज कैसे हो रहा है उसको रोकिए, तो उन सब चीजों पे फोकस देकर चलिए आप लोग, पर ऐसे मत कीजिए कि आप लोग इसको बैन कर दे रहे हैं कंप्लीटली, क्योंकि जहां पर इसका फायदा हो रहा है उनको नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना, ICMR के बारे में और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, अगर इस हिसाब से चले तो देखिए कोई भी इसका कोई ऐसा एडवर्स इंपैक्ट अब तक ना तो आदमी पे और ना ही एनिमल पर देखने को मिला है, अगर इनकी दोनों की रिसर्च के हिसाब से हम लोग बात करें, ठीक है। आप लोग इनके बारे में दोनों के बारे में जाकर पढ़िएगा थोड़ा, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये आर्टिकल न्यूज में आ चुका है तो पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कुछ भी, हल्का सा जाकर इसमें आप लोग रिव्यू कीजिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों के बारे में देखिएगा। तो बात क्या की जा रही है, बात सीधी सीधी ये की जा रही है यहां पर कि एक प्रॉब्लम बस ये हो सकती है कि अगर ज्यादा मिसयूज हो रहा है तो देखिए आप लोग देखते नहीं कि आप लोगों ने कई सारे इंसान को देखा होगा बोलते हैं यार सुबह चाय नहीं आती तो हम लोग फ्रेश नहीं हो पाते हैं, कई सारों को बीड़ी सिगरेट की आदत रहती है कि यार जब तक ये नहीं कर पाते तो फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो एक तरीके की आदत बन जाती है जो कि काफी खतरनाक होती है। इस तरीके गंदी आदत जो है कभी भी इंसान को नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये काफी खतरनाक लेवल पे इंपैक्ट डालती है फिर आगे चल के, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये हां कहीं ना कहीं एडिक्शन हो जाता है कैटल को, जानवर को, जो कि फिर नॉर्मल कंडीशन में अगर आप लोग चाहेंगे दूध निकालना तो वो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी कि बॉडी जो होती है उस तरीके से हो जाती है वहां पर, फिर उसी चीज पर रेस्पॉन्ड करने लगती है। और देखिए हमारी बॉडी जो है ना, या फिर जानवरों की बॉडी आप लोग देख लीजिए अगर उसको हैंडल कर रहे हैं, ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है, पर लेकिन हम लोगों को अगर यहां पर इसके क्लॉक एक होता है बॉडी क्लॉक बोलते हैं उसको, अगर एक बार आप लोग बॉडी क्लॉक सेट कर लेंगे ना मॉर्निंग में, अगर आप लोगों को 4 बजे उठना है, जैसे मॉर्निंग में 4 बजे PIB की वीडियो आती है, स्टार्ट मैंने इसलिए की क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते थे कि सर मॉर्निंग में 4 बजे कैसे उठे, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ आप लोगों को रीजन दे दिया जाए मॉर्निंग में उठने का, ताकि आप लोगों का करंट अफेयर भी कवर हो जाए वहां पर और आप लोग उठ भी जाएं, तो इसलिए मैंने 4 बजे उसको डालना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो रीजन क्या था, रीजन ये था कि एक रीजन मिल जाए आप लोगों को वहां पर उठने का, और इसके साथ में अगर एक बार आप लोगों ने 15 से 20 दिन उठना स्टार्ट कर दिया ना, फिर आप लोगों की बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी, आराम से उठने लगेंगे। इसी तरीके से आप लोग का सारे काम होते हैं, बॉडी क्लॉक को एक बार सेट कर लीजिए और फिर वो ताउम्र आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। अब आप
लोगों के ऊपर डिपेंड है कैसे आप लोगों को बॉडी क्लॉक सेट करनी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यहां पर बोला अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहां पर गई, पीआईएल जिसको बोलते हैं, तो यहां पर जब बात आई यहां पर कोर्ट में तो देखिए उसने भी यहां पर बोला गया कि मिसयूज हो रहा है। हालांकि हियरिंग करने के बाद में 2 साल की जो हियरिंग चलती रही वहां पर कोई एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि हाँ यहां पर कोई ऐसा कोई एग्जैक्ट वो नहीं कहते कि सबूत नहीं दिया कि हाँ इसका मिसयूज हो रहा है, पर हाँ लेकिन कई सारी तमाम जो न्यूज़पेपर की न्यूज थी इधर उधर से चीजें सुनकर बोला कि हाँ ये कई सारी बीमारी फैलाता है, कई सारी बातें यहां पर बोली गई, कई तरह के कैंसर और इस तरीके से कई सारी बीमारी के नाम लिए गए, ठीक है। पर लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है घुमा फिरा के कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मिसयूज ना हो तो आप लोग रेगुलेट कीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि जनता तक चीजें आराम से पहुंचती रहिए तो आप लोगों को मैन्युफैक्चर भी अच्छे से करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर एक जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें किसी पर्टिकुलर एक एरिया में कर्नाटक में आप लोगों ने इसको दे दिया कि बनाने के लिए बस आप बनाइए तो वो पूर्ति नहीं कर पाएगा, ठीक है, और इससे जो कमी होगी उसको फिर उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग एक बैलेंस बनाकर यहां पर चलना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है हेल्थ के बारे में, हेल्थ स्कीम के बारे में, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की बात की जा रही है। इसमें बात यह बोली गई थी कि 5 लाख यहां पर जो प्रोटेक्शन दी जाएगी यहां पर फैमिली के हिसाब से, और लगभग अगर फैमिली में 5 मेंबर तो इस हिसाब से 50 करोड़ लोगों को यहां पर कवर करने की कोशिश की जाएगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्कीम आप लोगों को हेल्थ को इसके बारे में बोल सकते हैं, ये जो लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरी को कवर करने की बात की जा रही थी, और लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड द वेलनेस सेंटर हमारी कंट्री में उसके तहत यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अभी न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके बारे में अभी नरेंद्र मोदी जी ने बोला है यहां पर हमारी कंट्री में 15 अगस्त के टाइम पर अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में अभी यहां पर जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन है उसको एक अच्छे लेवल पर हम लोग ले जाने की बात करें। कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से जिस तरीके से आप लोग राइट टू एजुकेशन देखते हैं छोटे बच्चों के लिए, राइट टू फूड देखते हैं आप लोग, जहां पर हमारी सोसाइटी का ऐसा तबका है जो गरीब है काफी और खाने का भी जुगाड़ नहीं हो पाता है उसके लिए राइट टू फूड है वो आप लोग देखते हैं, इसी तरीके से राइट टू हेल्थ की तरफ को चीजें बढ़ रही हैं, यानी कि ये भी एक तरीके का राइट बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई बीमार है तो कम से कम उसको राइट रहे गवर्नमेंट की साइड से कि हाँ भैया कि हाँ ये इस तरीके की चीजें हैं और उसको आप लोग कम से कम अगर कोई बीमार है मर रहा है तो उसको बचाया जा सके। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी अपग्रेड करने की, बातें बोलने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को शानदार स्केल पर काम करना पड़ेगा सुधारने के लिए। देखिए यहां पर बोला जा रहा है जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे अगर हम लोग हेल्थ केयर भी बढ़ाते चले जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इकोनॉमी का लेक्चर लिया था उस टाइम पर एक बात बताई थी, एक पूरा लेक्चर था इसी के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था ह्यूमन कैपिटल करके, ह्यूमन कैपिटल में मैंने यही बातें पढ़ाई थी उस टाइम पर कि क्या कि देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ह्यूमन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनेगा, अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए, तब जाके वो स्किल डेवलप होगी और फिर जाके वो इंप्लीमेंट करेगा और इनडायरेक्ट वे में अपनी कंट्री को पे करेगा। तो पूरा प्रोसीजर आप लोग यहां पर इसके बारे में देख सकते हैं। पर लेकिन देखिए यहां पर अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरीके का कंपेन नहीं चला है कि हाँ हेल्थ को अपना जो कंपेन का इश्यू बनाया जाए, पर आने वाले टाइम में हो सकता है क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन आप लोग देखते हैं, पर लेकिन यहां पर किस तरीके से इनको यूज किया जाना है क्योंकि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है और सब जो है अपना जो भी सेव करते हैं थोड़ा बहुत उसी को खर्चे में लगा देते हैं, और जो 5 लाख पर फैमिली के हिसाब से जो बात बोली गई है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के हिसाब से, ये देखिए सोशियो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का उसको काफी हद तक यहां पर फायदा पहुंचाने वाला है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहरों का हो। पर लेकिन बात क्या है घुमा फिरा के कि देखिए स्टेट काम करेगा यहां पर, मिलके दोनों को काम करना पड़ेगा, और यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कैशलेस आप लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड तो करा रहे हैं पर लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आप लोग प्रोवाइड करवाएंगे वो बात देखने को मिलेगी, यानी कि आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो। क्योंकि अच्छा चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं 3 तरीके की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्केट लिस्ट, हेल्थ सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ये बताइए आप लोग। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है, अगर आप लोग चाहते हैं हेल्प करना और लोगों तक पहुंचना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए यहां पर फॉल होती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक तरीके से हमारी कंट्री में संघवाद का ढांचा है, मतलब हमारी कंट्री में 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी है। अगर आप लोग देखें सेंटर के अंदर 29 स्टेट भी कम से कम एक स्टेट को अगर आप लोग देखेंगे वो किसी न किसी कंट्री के समान है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज है वहां पर, डिफरेंट पॉपुलेशन नजर आएगी, अलग अलग तरीके से चीजें वहां पर लोगों को, यहां तक कि आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्योग्राफी भी डिफरेंट होती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में आप लोग कंपेयर करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग लेवल पर चीजें करनी पड़ेगी। अगर बात करें नॉर्थ इंडिया में तो डिजीज कुछ अलग तरीके की होती है, साउथ इंडिया में कुछ अलग तरीके की होती है एनवायरमेंट के डिफरेंस की वजह से, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर किस तरीके से आप लोग इसको अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, 2.5% जीडीपी का लगभग और इसके 8% स्टेट बजट का। इमीडिएट चैलेंज ये रहेगा कि आप लोग बजट कहां से लेके आएंगे, कहने का मतलब ये है देखिए आप लोग प्लान तो बना लीजिए पर लेकिन इन्वेस्टमेंट कहां से लेके आएंगे, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि गवर्नमेंट अकेली इन्वेस्टमेंट करे तो काम चल जाएगा,
तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, पर लेकिन कैसे उसको टैकल करके चलेंगे तो वो चीजें देखने को मिलेगी। पर लेकिन अभी देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट अगर यहाँ पर ज्यादा है आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए ऑप्शन रख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, घुमा फिरा के आज की डेट में अगर आप लोग हेल्थ इंडस्ट्री को देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा दबदबा है, और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को देखो तो कम दबदबा है, यानी कि प्राइवेट के हाथ में ज्यादा है, और जो कि यहाँ पर डायरेक्ट आउट ऑफ द पॉकेट स्पेंडिंग यहाँ पर की जाती है, लोगों के द्वारा अपनी पॉकेट में से खर्च जो किया जाता है उसको आप लोगों को घटाना है, क्योंकि अगर वहां से उनको पैसा जो है वो कम से कम अगर वो हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं और गवर्नमेंट कोई स्कीम प्रोवाइड करवा रही है तो उसको दूसरी साइड में जाकर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए बोला गया बच्चे, सीनियर सिटीजन या फिर आप लोग जो ऐसे पेशेंट जो कि यहाँ पर काफी जरूरत है जिनको, उनको आप लोग इस स्कीम के अंदर लेकर आइए यहां पर, ताकि यहां पर चीजों का सोल्यूशन निकाला जा सके। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर रोड मैप की बात की जा रही है मिलिट्री में रिफॉर्म के बारे में। हमारी कंट्री में आप लोग देखते हैं अगर मिलिट्री की बात करें तो एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, और इसके अलावा आप लोगों को नेवी नजर आता है, ठीक है ना। तो तीनों मिलकर किस तरीके से काम करती है, उनमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। पहले भी हम लोगों ने बात की थी यहां पर, बात की थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, जिसको हम लोग CDS बोलते हैं। आखिर इसको बनाने की बात क्यों की जाती है हमारी कंट्री में। देखिए नेवी अपना अलग काम करने का तरीका, एयरफोर्स का अलग और आर्मी का अलग, पर लेकिन जब कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए तीनों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि कोस्टल एरिया से कोई वार कर रहा है, एयर साइड से कोई वार कर रहा है, फिर जमीन से कोई वार कर रहा है, तो जब तक तीनों मिलकर काम नहीं करेगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या निकल के आता है, प्रॉब्लम कई सारी निकल के आती है जी, जब तक यहां पर इनके बीच में एक तरीके से आप लोग एक तरीके से इस तरीके की हार्मनी बनाने की कोशिश की जाती है तो देखिए यहां पर ये आता है कि हमारी पावर ज्यादा है या फिर हमारी ज्यादा पावर है, ये तो उसके डोमेन का काम है, ये इसके डोमेन का काम है। तो एक तरीके से यहां पर सबके बीच में एक किस तरीके से हार्मनी बना के चलते हैं। इसके लिए यहां पर कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट की बात की जा रही है एक तो, और इसके साथ में यहां पर यह नरेश चंद्रा कमेटी, तो इन्होंने बोला था कि देखिए हायर जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आप लोगों को कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग चीजों को सुधार सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बनाइए जिसके हाईएस्ट पॉइंट पर एक ऐसा पोस्ट क्रिएट कीजिए कि उसके अंडर में तीनों आ जाए। कहने का मतलब यह कि अलग अलग तीनों ने रहे, एयरफोर्स अपने अलग तबके में रहती है, आर्मी अलग और नेवी अलग, तो इस तरीके से कीजिए ताकि सबसे ऊपर लेवल पर तीनों का कॉमन हो जाए, ताकि उनको यह ना लगे कि हम लोग अलग अलग हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऐसा लगने लगे। इसके अलावा बात की जा रही है, देखिए मान लीजिए अगर कोई यहां पर एयरफोर्स का कोई एरिया है, ठीक है, आर्मी की अगर कोई विंग्स ऐसी है जो एयरफोर्स में काम करने के लिए, मतलब कि खुद की आर्मी की, मतलब मान लीजिए आज की डेट में आर्मी को कोई सामान पहुंचाना है तो उसकी भी एक खुद की विंग होती है जिसमें एयरफोर्स वाला काम किया जाता है, यानी कि आर्मी के पास भी आप लोगों को हेलीकॉप्टर नजर आएंगे जो कि इस फील्ड में काम करते हैं। तो देखिए उनकी भी खुद की इंटेलिजेंस होती है, उनकी खुद की सिक्योरिटी का अलग अलग तरीके के लेवल पे काम करते हैं वो भी अपना। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस नजर आता है, मतलब एक को अगर कोई काम किया जाता है दूसरे को लगता है मुझे अंडरमाइन कर रहा है, और दूसरे काम किया जाता है तीसरे को लगता है मुझे अंडरमाइन किया जा रहा है, तो कई सारे ऐसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक बैलेंस नहीं है। तो किस तरीके से तीनों सर्विस में बैलेंस बना सकते हैं। बात करें कंट्रोल की, अगर यहाँ पर साइबर स्पेस की बात करें, स्पेशल फोर्स की बात करें, तो अगर एक से बना दिया जाता है तो दूसरे को लगता है कि मुझे साइड में रखा जा रहा है, सामने वाले को ज्यादा पावर दे दी जा रही है। तो इस तरीके की जो रस्साकसी है, जो टग ऑफ वार ये चल रही है यहाँ पर, इस तरीके की जो टफ सिचुएशन है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और तभी कंट्रोल किया जा सकता है जब तीनों को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आप लोग लेके आए, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर पोस्ट क्रिएट आप लोग कर देते हैं तो फिर ये एक ही पोस्ट के अंडर में आ जाएंगे, और फिर जो यहाँ पर इनके तीनों के जो टॉप यहाँ पर हाइएस्ट जो चीफ है इनके, वो यहाँ पर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है उसको यहाँ पर जाकर रिपोर्ट करेंगे, तो सारे एक ही के अंडर में आ जाएंगे। आप लोगों को बताना है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आज के में हाईएस्ट जो चीफ है इनके वो कौन कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है, अभी 15 अगस्त पर जो स्पीच दी गई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सबसे पहले तो एक रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए, जाकर इसको जरूर सुनिएगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर जो टेलीग्राम पे नीचे में से वीडियो को शेयर कर दूंगा, जाकर इसको जरूर सुनिएगा। आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं, राज्यसभा टीवी ने सबने डाल रखी है, मतलब एक बार जरूर एक बार वो कानों में को निकालिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि बात क्या चल रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री ये बोला गया है जन आरोग्य अभियान, एक तो ये, इसके अलावा परमानेंट कमीशन, इसके अलावा स्पेस मिशन, तो कई सारी तमाम ऐसी बातें बोली गई हैं जिनको आने वाले टाइम में रिकमेंड और इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। स्पेस मिशन का नाम क्या है वो आप लोग बताइए, मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो आप लोग बताइए, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, बुद्धा की तस्वीर, ये आप लोग देखते हैं स्टैचू, ये यहाँ पर चोरी की गई थी 57 साल पहले नालंदा म्यूजियम से ये चुराई गई थी, 12th सेंचुरी की ब्रॉन्ज की बुद्धा की स्टैचू है, जो अभी यहाँ पर पहुंच गई थी कहाँ पर, लंदन में। तो लंदन जो है यहाँ पर उन्होंने वापसी कर दिया, हमारे इंडियन हाई कमिश्नर है वहां पर, बोला गया कि ये वहां से चोरी की गई थी और उन्होंने रिटर्न कर दिया है। देखिए तो रिटर्न कर दिया, देखते हैं कोहिनूर कब रिटर्न करते हैं, ये आगे देखने को मिलेगा, ये तो इन्होंने रिटर्न कर दिया। चलिए जो भी है, पिंक बॉलवॉर्म ये काफी नुकसान पहुंचाता है फसल को, और खासकर महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये लार्ज स्केल पर फैल रहा है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है 16 मेंबर की कमेटी भी, कि यहां पर इसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए और किस तरीके से जो फार्मर को लॉस हो रहा है इन सब चीजों की वजह से उसको रोका जाए, तो कहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र आप लोग याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट जो बात की जा रही है साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए कंप्लीटली मना कर दिया इस साल तो, कम से कम ओपी रावत जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बोला कि देखिए इस साल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक प्रोसीजर इशू रहेगा अभी हमारी कंट्री में, वो हम तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं ढंग से। नेक्स्ट जो बात की जा रही है आसाम ने रिजेक्ट कर दिया है कम करने के लिए एरिया को आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के, ठीक है। तो आसाम अभी सहमत नहीं है, उसको लग रहा है कि अभी जो चीजें हैं अप टू द मार्क नहीं है क्योंकि देखिए अभी नेशनल रजिस्टर भी यहां पर निकल कर आया, वो भी कई सारी कंडीशन और भी कई तमाम बातों को याद में रखते हुए इस तरीके के स्टेप लिखे गए हैं। तुर्की और यूएसए में जो है प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है, फिर से बात वही आ गई है तुम हमारे ऊपर इम्पोज बैन करो हम तुम्हारे ऊपर करेंगे, तो देखते हैं कहां तक चीजें पहुंचती है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, 200 स्ट्रेस अकाउंट की बात की गई है रेगुलेट करने की, देखा जाएगा कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, वीडियो कौन हो गया, जिंदल स्टील हो गया, तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर आज के डेट में लग रहा है कि कुछ आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उनको एनालिसिस करने की बात यहां पर की जा रही है। और केरला में आप लोग देखते हैं जो बाढ़ की कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है, अब तक जो कंट्रोल में नहीं है और आने वाले टाइम में देखते हैं कैसे सिचुएशन निकलती है। केरला ने बोला है कि और ज्यादा हेल्प चाहिए सेंटर से ताकि यहां पर चीजों को कंट्रोल में किया जा सके। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहां पर इससे क्वेश्चन बन सकता है काफी इंपॉर्टेंट, बात की जा रही है रेड लाइट जो है यहां पर, जो रेड लाइन है ये राज्यसभा की और जो ये ब्लू लाइन है ये लोकसभा की, तो अब की बार की जो प्रोडक्टिविटी है वो लोकसभा की काफी अच्छी रही, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है कि पहले के कंपेयर में देखिए 110 प्रोडक्टिविटी बोला जा रहा है ऑल सेशन अगर कंपेयर किया जाए यहां पर पहले के कंपेयर में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इतना ही पूछा जा सकता है कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी ज्यादा रही या फिर राज्यसभा की, ठीक है, तो कम से कम इतना तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों से इटली के बारे में पूछा था, इटली आप लोग यहां पर निहार सकते हैं। बात करें करेंसी की, यूरो है, यानी कि यूरोप का पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, करेंसी यूरो यूज कर रहा है, और यहां पर आप लोग रोम देख सकते हैं, यहां पर इसकी कैपिटल है आप लोगों के सामने, ठीक है। एड्रियाटिक सी आप लोग यहां पर देखते हैं, मेडिटेरेनियन सी हो गया, और ये भी इसी के पार्ट है, यहां पर इनके बारे में आप लोगों ने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो ये कई बार वहां पर न्यूज में कई बार यहां पर ये पार्ट में आते हैं, तो ये भी आप लोग इसके पार्ट है, दोनों आइलैंड है यहां पर, इनका भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था यहां पर यूरोप की कंट्री, फ्लैग आप लोगों के सामने है यहां पर। बाकी आज का ये क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को आंसर देना है, अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा, और लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था ये उनके सामने आंसर है, पहले का बी है और यहां पर इसका सी आंसर है। अब देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, दूसरे वाले बात पूछी थी तापी के बारे में, जिसको बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन, तो तापी पाइपलाइन थी यहां पर, चलती कहां से है, ये तुर्कमेनिस्तान से चलती है और इंडिया में आप लोग देखने को मिलेगा, इंडिया में पहुंचती नजर आ रही है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जो तापी पाइपलाइन है, अगर बात करें यूएन के द्वारा डिक्लेयर किया गया एक्सट्रीम रिस्क जोन, ये जो यहां पर रेड ये आप लोगों को देखना है, येलो वाला जो लाइन लाइन वाला, ये काफी रिस्क जोन है, यानी कि यहां से अगर जाती है तो खतरनाक साबित हो सकते हैं, लैंड माइंस भी यहां पर बिछाई जा सकती है, आप लोग जो ये वाला एरिया देख सकते हैं, तो काफी मुद्दे से काफी लंबे समय से बात चल रही है कि किस तरीके से हम लोग तापी पाइपलाइन को आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं इसके द्वारा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है तापी पाइपलाइन को, प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था 2015 में स्टार्ट किया गया था, और जो कंप्लीट करने की बात करें 2019 में बात करें, तो देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, इंडिया पार्ट है और पाकिस्तान पार्ट है अफगानिस्तान पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ब्लैक सी के बारे में बात की जा रही है आप लोगों से, क्रीमिया मैंने आप लोगों से पूछा था, क्रीमिया ये वाला पार्ट है नीचे, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोगों, क्रीमिया ये वाला पार्ट यहां पर, ऊपर है यूक्रेन, तो यूक्रेन का पार्ट है यहां पर, ये वही वाला पोर्शन है जहां पर रेफरेंडम कराया गया था यहां पर रशिया के द्वारा, और इसको एनेक्स कर लिया था, और इसी की वजह से यहां पर G7 से G7 बन गया था, क्योंकि रशिया को वहां से निकाल दिया गया था, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर किया कीजिए, और देखिए आप लोग टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लाइक जरूर किए देखिए, चीजों को शेयर भी कर दीजिए अगर आप लोगों को लगता है अच्छा लग रहा है, इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, लाइक का जो टारगेट था वो 4.5 था, अब तक आप लोगों ने अचीव नहीं किया, 30,000 लोग देख रहे हैं, 4.5 तक का आप लोग टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, चलिए देखते हैं कब तक आप लोग अचीव करते हैं, लगे रहिए वैसे, ठीक है। तो इसके अलावा आपने देखिए आंसर जरूर दिया कीजिए, चीजों को शेयर कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।